हेलो एंड वेलकम। हम लोग इस चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं और अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हम अभी जा रहे हैं फाइंड करने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लार्ज या आप बोल सकते हो इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग चार्ज सीट। कैसा है ये सीट? ये नॉन कंडक्टिंग सीट है, इस पे आप लोग देना स्टार मार्क। ये आपका नॉन कंडक्टिंग एक लार्ज सीट है, ठीक है ना? ओके, तो टॉपिक सब लोग एक बार देख लो। तो आपको जब भी क्वेश्चन में ऐसा है एक थीन सीट, प्लेन सीट, लार्ज, आपका नॉन कंडक्टिंग, तो मतलब कि यहीं से आप इसी को आपको डिराइव करना है, ठीक है ना? तो देखिए हमने क्या सिचुएशन लिया कि कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज थीन नॉन कंडक्टिंग सीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। आप यहाँ पे लिख लो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, है ना? हमको यहाँ पे दिया है कि यूनिट एरिया में कितना इसमें चार्ज होगा सीट में, और सीट ये नॉन कंडक्टिंग है। मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें कंडक्टिंग आने वाला है, तो वो सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना? अब चलिए, हमने लिखा है कि वी वांट टू फाइंड फील्ड एट पॉइंट पी विच इज सिचुएटेड नियर द सीट। मतलब कि ये जो मेरा सीट है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग कर रहे हैं बिहेव एज इनफाइनाइट सीट। और ये तभी कर सकते हैं जब इसका साइज क्या हो जाए कि हमको जिस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है उसके कंपेरिजन में इसका साइज बहुत लार्ज हो जाए, यही ना? तो आप मान लीजिए कि हमको इस पॉइंट पी पे फाइंड करना था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने क्या किया कि हमने एक गॉसियन सिलेंडर ले लिया है। हमने पहले सीखा था कि आपको जब भी थीन सीट आएगा तो आप लोग सिलेंडर लेना एज अ गॉसियन सरफेस। तो हमने एक सिलेंडर ले लिया जो कि आपको दिख रहा है एज अ गॉसियन सरफेस, और ये पॉइंट पी से पास कर रहा होगा। और देखो तो सीट के बोथ साइड हमने सेम लेंथ तक लिया है सिलेंडर, ठीक है ना? और ये जो आपका सिलेंडर है वो इस सीट को क्रॉस करके जा रहा है, पक्की बात है ना? और दोनों साइड आपका लेंथ हमने सेम रखा है, चलिए अच्छी बात है। अब देखते हैं कि ये जो मेरा गॉसियन सिलेंडर पे फील्ड का किस तरफ आने वाला है डिरेक्शन, तो फील्ड कहाँ आएगा इससे अवे, यही ना? चार्ज कैसा है? चार्ज है पॉजिटिव, तो फील्ड आने वाला है अवे। यहाँ भी आपका फील्ड कुछ ऐसा आएगा, इधर आने वाला है अवे। और ये आपका जो कर्व सरफेस है वहां भी आपका फील्ड अवे ही आने वाला है। ये जो आपका कर्व सरफेस है यहाँ भी आपका फील्ड इधर अवे ही आने वाला है। अब देखते हैं कि कहाँ आएगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो हम क्या जानते हैं कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो देखिए यहाँ हम ड्रॉ कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अब लोग यहाँ से देखो, हम ड्रॉ कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। देखो तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरफ एरिया वेक्टर, और इधर फील्ड आपका फिर से आएगा कहीं इस तरफ, पक्की बात है ना? अब देखिए कि मैं अगर पूछूं कि ये जो आपका नेट फ्लक्स, यहां से मैं लिखता हूं कि नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सिलेंडर, इससे नेट फ्लक्स कितना पास कर रहा होगा, तो फाई नेट क्या आएगा बोलिए? फ्लक्स थ्रू आपका फिर से वही कर्व सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू जो आपका सर्कुलर सरफेस था, या सर्कुलर फेस आप उसको बोल लो, यही ना? बिल्कुल सर, यही बोलेंगे। और इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, पक्का? हाँ सर, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, मैं पूछूं कि फ्लक्स थ्रू सर्कुलर फेस क्या आने वाला है, तो आप लोग सीधे बोलोगे कि फ्लक्स थ्रू सर्कुलर फेस आने वाला है जीरो, क्योंकि सॉरी 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 सर सॉरी फ्लक्स थ्रू सर्कुलर फेस यहाँ पे नहीं होगा जीरो, यहाँ पे फ्लक्स होगा थ्रू कर्व फेस आने वाला जीरो। फ्लक्स थ्रू आपका कर्व फेस आएगा जीरो ना, क्योंकि देखो फॉर कर्व फेस एंगल बिटवीन फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री, तो आपका जो कर्व फेस से फ्लक्स आने वाला है जीरो। अब देखते हैं कि सर्कुलर फेस से कितना फ्लक्स आएगा, तो ध्यान से देखो, तो फॉर सर्कुलर फेस फील्ड एंड आपका जो एरिया वेक्टर है उसके बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री। मतलब कि हम लिख सकते हैं कि सिंपल सा ऐसा कुछ ई डी एस और आपका कॉस 0 डिग्री, यही ना? हाँ सर, बिल्कुल यही लिखेंगे। अब आप मेरे को बताओ कि इस सिलेंडर में कितना सर्कुलर फेस है? दो ठो है, और दोनों को हमने सेम डिस्टेंस से माना है सीट से। मतलब क्या होगा, दोनों पे फील्ड आपका सेम आने वाला है। मतलब सिंपल आप बोल सकते हो कि नेट फ्लक्स इज 2 टाइम्स फ्लक्स थ्रू वन सर्कुलर फेस, या ई डी एस कॉस 0 डिग्री, ऐसा बोल लो आप। अब देखो तो आपका फील्ड क्या आएगा कि इस दोनों सर्कुलर फेस के लिए आपका फील्ड आने वाला है सेम, फील्ड आएगा यूनिफॉर्म, तो मैंने उसको ले लिया बाहर, तो सिंपल ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। और क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज नथिंग बट एस, तो हमने इसको लिख दिया 2 ई एस। ये क्या आया? ये आपका आ गया नेट फ्लक्स थ्रू द, ये मेरा गॉसियन सिलेंडर, यही ना? ये आपका आया है नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सिलेंडर, या आप इसको इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस भी लिख सकते हो, चलिए अच्छी बात है। अब यूज कर लो कि नेट फ्लक्स
E dot ds is equal to q in by epsilon not, बिल्कुल हमने ऐसा यूज कर लिया है, तो आपका नेट फ्लक्स कितना आया था, E into 2s is equal to, q in क्या है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। अब आप ध्यान से देखो तो ये जो मेरा सिलेंडर है वो क्या हुआ है कि वो इस गॉसियन सरफेस से क्रॉस किया है ना, और ये जो मेरा सिलेंडर है वो थीन सीट से क्या हुआ है, क्रॉस किया है, और ये जो मेरा थीन सीट था वो बहुत पतला है, क्या है, बहुत पतला है, मतलब जो भी चार्ज आया होगा ना वो जस्ट जो जितना पार्ट ये मेरा सिलेंडर का उस थीन सीट को क्रॉस किया होगा उतने पार्ट में जो चार्ज आएगा बस मेरे को वही चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर भी आने वाला है। मतलब सिंपल हम बोल सकते हैं कि जो चार्ज आपका आने वाला है वो आपका आएगा सिग्मा इंटू एस, क्योंकि ये जब क्रॉस करेगा तो जितना इसका सर्कुलर फेस का एरिया होगा ना उतना ही वो एरिया के लिए उस सीट को क्रॉस भी किया होगा, तो आपका चार्ज आने वाला है सिग्मा इंटू एस बाई एप्साइलन नॉट। जब आप यहां से सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा सिग्मा बाई टू एप्साइलन नॉट, कितना आया, सिग्मा बाई टू एप्साइलन नॉट। ध्यान से देखो तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आया, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है यूनिफॉर्म, कैसा आ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि आपको और क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया है जो कि इनफिनाइट थीन सीट के बहुत करीब है, तो उस केस में आपका फील्ड क्या आएगा, फील्ड आपका यूनिफॉर्म आता है, वो कितना डिस्टेंस पे है उस पे डिपेंड नहीं करता है, फील्ड आपका यूनिफॉर्म आएगा और वो आएगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। क्या सबको मेरी बातें समझ में आई ना, बिल्कुल सर अच्छी बात है, फील्ड आया है आपका यूनिफॉर्म, आप अगर चार्ज लोगे नेगेटिव तो आपका वैल्यू सेम आएगा, बस उसका डिरेक्शन जो है वो चेंज कर जाएगा, पक्की बात है, और बोथ साइड आपका सेम, आपका फील्ड का वैल्यू भी सेम ही आने वाला है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट ही। सबको ये बातें याद रहेगी नहीं, हाँ सर बिल्कुल सबको ये बातें याद रहेगी। चलिए इस पे हम लोग कुछ और बात करते हैं, तो ये बात आप लोग याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इनफिनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट इज सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। चलिए नोट्स में हमने एक पॉइंट ले लिया, हमने यहाँ पे एक आपका ले लिया है दो, देखो यहाँ पे हमने दो इनफिनाइट सीट लिए हैं और दोनों पे हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है। देखिए तो हमने यहाँ पे लिया है कॉम्बिनेशन ऑफ सीट, सबको दिख रहा है ना, हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सीट लिया है और आपका दोनों ही सीट हर केस में क्या है आपका लार्ज है इनफिनाइट है, ठीक है, तो जो हमने जो अभी फॉर्मूला सीखा वो हम लोग यूज कर सकते हैं आसानी से। चलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि आपको बताना है फील्ड का वैल्यू वन पे टू पे और थ्री पे, वो चलिए फाइन करते हैं देखते हैं। तो एट पॉइंट टू देखिए तो दोनों चार्ज क्या है पॉजिटिव है, तो दोनों का फील्ड कहाँ आने वाला है, दोनों का फील्ड आएगा अवे, मैंने इसको नाम दे दिया है ए, इसको नाम दे दिया है बी, तो ए का फील्ड आएगा आपका इस तरफ और देखिए तो आपका बी का भी फील्ड इस तरफ ही आने वाला है, बी का फील्ड भी आपका इस तरफ ही आने वाला है क्योंकि दोनों पे चार्ज कैसा था पॉजिटिव, तो दोनों का फील्ड आ गया अवे। आप अगर पॉइंट ए का बात करो तो ए का फील्ड आएगा इस तरफ और बी का फील्ड आने वाला है जस्ट इसके अपोजिट, और पॉइंट थ्री पे भी ए का फील्ड आएगा इस तरफ और बी का फील्ड भी आपका इस तरफ ही आने वाला है। मतलब कि अब देखिए क्या हुआ कि एट पॉइंट वन क्या हुआ है कि दो इक्वल फील्ड एट अपोजिट डिरेक्शन, मतलब कि नेट फील्ड एट पॉइंट वन आपका आने वाला है जीरो। एट पॉइंट टू क्या आएगा, तो दोनों का समेशन आएगा, मतलब कि सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये आपका आने वाला है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एट पॉइंट टू। आप देखो तो एट पॉइंट थ्री भी आपका फील्ड कितना आएगा, एट पॉइंट थ्री भी आपका फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही आने वाला है। ये सब बातें आप लोग याद रखना, वन पे आ गया जीरो, टू और थ्री पे आ गया है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली देखिए तो इस केस में भी वैसा ही कुछ आने वाला है कि पॉइंट वन पे आएगा जीरो, पॉइंट वन पे आपका फील्ड आने वाला है जीरो, पॉइंट टू पे कितना आएगा, पॉइंट टू पे फिर से आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और पॉइंट थ्री पे फिर से आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आएगा नेट फील्ड के डिरेक्शन में, इस बार नेट फील्ड यहाँ पे इस तरफ आएगा और यहाँ पे आएगा इस तरफ क्योंकि चार्ज आपका कैसा था, चार्ज इस पे नेगेटिव था तो फील्ड होगा टुवर्ड्स, ठीक है ओके। अब देखिए तो ये जो अपना थर्ड केस है, थर्ड केस में हमने क्या लिया है, थर्ड केस में जो हमने चार्ज लिया है वो आपका अपोजिट है, प्लस है और माइनस है, मैंने इसको नाम दे दिया है ए, इसको नाम दे दिया है बी। तो अब देखिए तो एट पॉइंट टू फील्ड ड्यू टू ए आपका आने वाला है इस तरफ और फील्ड ड्यू टू बी आपका आएगा कहीं इस तरफ आएगा ना, एट पॉइंट थ्री फील्ड ड्यू टू ए आएगा इस तरफ और फील्ड ड्यू टू बी आपका आएगा इस तरफ, और एट पॉइंट सी अब देखो तो दोनों का फील्ड एक तरफ ही आने वाला है, दोनों का फील्ड कहाँ आएगा, एक तरफ ही आने वाला है, मतलब इस बार इस केस में पॉइंट टू और थ्री पे फील्ड आने वाला है जीरो और पॉइंट वन पे आपका फील्ड आने वाला है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या सबको मेरी बातें समझ में आई, सबको मेरी बातें समझ में आई ना, देखिए इस थर्ड केस में क्या हुआ है कि इन दोनों
इन दोनों थिन सीट के बीच में फील्ड कैसा आ गया है, फील्ड आ गया है नॉन जीरो और फील्ड आ गया है यूनिफॉर्म। फील्ड कैसा आ गया है, नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म। तो देखिए ये जो मेथड है, ये जो हमने थर्ड मेथड सीखा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये एक तरीका होता है कि आपको अगर किसी पार्टिकुलर रीजन में यूनिफॉर्म फील्ड बनाना है तो आप दो सीट ले लेना और दोनों पे चार्ज दे देना अपोजिट, तो उनके बीच का फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म हो जाता है और वो एक पार्टिकुलर रीजन में ही होता है। तो दोनों पे चार्ज, आपका दोनों पे चार्ज का नेचर होना चाहिए अपोजिट और सरफेस चार्ज डेंसिटी होना चाहिए सेम, तब केवल उनके बीच में ही फील्ड आने वाला है। समझ में आया ना, मतलब कि यहाँ पे फील्ड आपका एक पार्टिकुलर क्या है, एक पार्टिकुलर रीजन में भी आया, में ही आया है। लेकिन ये जो आपका केस वन और थ्री, केस वन और टू था, इसमें क्या था कि बीच में फील्ड जीरो था लेकिन राइट साइड और लेफ्ट साइड में फील्ड आपका था, मतलब कि वो फील्ड एक पार्टिकुलर रीजन में नहीं था, वो आपका वहां से लेके इनफिनाइट तक फैला होगा। समझ आया ना, तो ये जो थर्ड वाला केस है ये आपका यूज होता है कि जहां पे आपको यूनिफॉर्म फील्ड एक पार्टिकुलर रीजन में बनाना हो। और इसी का यूज करके हम लोग ऐसा ही सिचुएशन का यूज करके हम लोग कैपेसिटर भी पढ़ेंगे। कैपेसिटर भी आपका वही होता है कि एक गिवेन, बोलिए एक गिवेन रीजन में वो स्टोर करता है एनर्जी या स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो थर्ड केस वाला जो है ना सिचुएशन, वही आपका आता है कहां पे, इन द केस ऑफ कैपेसिटर आल्सो। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर हम लोग आगे पढ़ना है, बाकी आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान देना। सबको समझ में आया ना, अच्छी बात है, जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने नेक्स्ट ये केस लिया है, एक्चुअल में ये आपके बोर्ड्स में नहीं आया है, लेकिन ये क्वेश्चन या ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है ना जिसपे जेई वाले क्वेश्चन सेट कर सकते हैं, और ये बहुत ही मतलब कि इससे अगर क्वेश्चन सेट हुआ तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा भी। तो वही मैंने ये केस इस बार लिया है, ठीक है ना। देखो तो केस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट, और इसको आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर यूनिफॉर्मली वॉल्यूम चार्ज प्लेन। मतलब कि देखो लास्ट केस में और इसमें डिफरेंस क्या है, लास्ट केस में हमने थीन सीट लिया था, हमने क्या लिया था, हमने लिया था थीन नॉन कंडक्टिंग सीट, यहाँ पे हमने लिया है थीक नॉन कंडक्टिंग सीट, यहाँ पे इसका थिकनेस कुछ है। मतलब कि लास्ट केस में जो आपका चार्ज था वो उसके एरिया में था डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ जो चार्ज होगा वो उसके वॉल्यूम में होगा डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखिए अब आपको फिर से इसके चलते फील्ड बताना है। ऐसे तो ये क्वेश्चन काफ़ी ही मतलब क्या बोले, काफ़ी ये इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग एक ऐसा तरीका यूज करने जा रहे हैं ना जिससे आपका ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। समझ में आया ना, तो सबसे पहले हम जा रहे हैं फाइंड करने फील्ड आउटसाइड, मतलब कि आउटसाइड द थिक आपका जो लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट है, आउटसाइड द सीट, इसके बाहर वाले पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना सीख ले रहे हैं, फिर हम लोग अंदर भी सीख लेंगे। और यहाँ पे दो आपको जो टी दिया है ना, टी इज द थिकनेस, टी हमको दिया है, टी इज द थिकनेस ऑफ आपका जो भी वो सीट है, ठीक है, अच्छी बात है, हाँ सर बिल्कुल। और रो क्या है, ये जो रो दिया है वो दिया है उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आउटसाइड वाले पॉइंट पे हमको फील्ड फाइंड करना है। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि हमने सीखा है, वी नो कि एट आउटसाइड पॉइंट फील्ड ड्यू टू थिन सीट, मैंने थिन सीट बोला है, मतलब कि मैंने हम बात कर रहे हैं नॉन कंडक्टिंग सीट का। तो वी नो एट आउटसाइड पॉइंट फील्ड ड्यू टू थिन सीट कितना आया था, सबको याद है ना, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, क्या आया था, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे सिग्मा क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेकिन वहां पे उस थिन सीट का कोई भी थिकनेस नहीं था, उसका थिकनेस बहुत ही कम था और उसका जो भी चार्ज था वो उसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन इस केस में क्या है कि इसका थिकनेस है और इसका चार्ज इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखिए कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हम जा रहे हैं अब सॉल्व करने कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक सीट वो भी आउटसाइड वाले पॉइंट पे, कहां पे, वो भी आउटसाइड वाले पॉइंट पे। अब ध्यान दो, हम लोग इस क्वेश्चन को मतलब कि इस सिचुएशन को हम लोग इसमें चेंज कर लेंगे। देखो कैसे, यहां पे क्या था, यहां पे था कि फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्या दिया है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी में कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज नथिंग बट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू थिकनेस। क्या आपको मेरी बात समझ में आई ना,
कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से आपको अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी में चेंज करना हो तो आपको उसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आया ना? आप ये ऐसे भी चेक कर सकते हो कि आपका जो वॉल्यूम चार्ज का होता है यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब और सरफेस चार्ज का होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। मतलब जब हम लोग वॉल्यूम वाले में मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये सरफेस वाला मिल जाएगा। तो देखो हमने वही किया है। मतलब कि हम लोग करेंगे क्या कि इन द प्लेस ऑफ सिग्मा, इन द प्लेस ऑफ सिग्मा हम लोग लिख देंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू थिकनेस ऑफ द सीट और बाकी वैसे ही छोड़ देंगे। तो देखो ऐसा आ गया, क्या है आप बोलो, रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू टी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द थिक सीट, थिक नॉन कंडक्टिंग सीट, और टी क्या है, टी इज द थिकनेस ऑफ द सीट। क्या सबको मेरी बात समझ में आई ना? देखो मैंने इसको यहाँ लिखा, हमने लिखा कि सिग्मा ऑफ, देखो ये क्या है, ये है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर थिक सीट। आप लोग इसको लिख लेना कि कैसे ये मेरा आंसर आया। तो हमने सिग्मा को लिख दिया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू थिकनेस और फिर हमने क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज कर लिया। तो ये आपका आंसर आ गया, रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू टी। अब बताओ कि इसके आउटसाइड वाले पॉइंट पे फॉर द थिक सीट आपका फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म की वेरिएबल। देखो तो फिर से मेरा फील्ड यूनिफॉर्म ही आया है, फिर से मेरा फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म ही है। यहाँ पे टी इसका थिकनेस है। तो आप आउटसाइड वाले पॉइंट पे आप पॉइंट यहाँ ले लो या पॉइंट यहाँ ले लो या पॉइंट यहाँ ले लो, आपका वो फील्ड रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू टी ही आएगा। सबको समझ में आया ना? तो ये हमने फाइंड कर लिया आउटसाइड पॉइंट पे। चलिए अब फाइंड करते हैं इनसाइड वाले पॉइंट पे। देखिए तो अब हम जा रहे हैं सॉल्व करने। इनसाइड हमने पॉइंट लिया है इनसाइड ऑफ थिक सीट और वहां पे मेरे को फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं कि पॉइंट इज इनसाइड द थिक सीट एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सीट। ये रहा आपका लाइन एक्सिस ऑफ सीट और इस एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे आपका पॉइंट भी है, सब आपको दिख रहा होगा। अब सवाल उठता है कि सर ये कैसे सॉल्व करने जाएं, जब वो आउटसाइड वाला था तो मेरे को तो पहले से हमने थिन सीट वाला यूज करके फाइंड कर लिया था, लेकिन यहाँ इनसाइड वाले पे कैसे करें। तो देखिए हम लोग यहाँ भी जाएंगे वही तरीका यूज करने जो हम लोग पहले सीख चुके हैं। क्या सीख चुके हैं? तो हमको इस थिक सीट के लिए आउटसाइड वाले पॉइंट पे तो हमको फील पता है ना, जस्ट हमने अभी फाइंड किया, क्या था बोलो, था ना रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू टी। वहां पे टी क्या था, टी था थिकनेस ऑफ द सीट, थिक सीट, यही ना। अब देखिए कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को पिछले वाले क्वेश्चन में चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैंने इस जो आपका जो पूरा प्लेन जो थिक सीट था ना, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो यहाँ से मैंने इसको दो पार्ट में कर दिया है डिवाइड, मैंने इसको दो पार्ट में कर दिया है डिवाइड। अब जो एक पार्ट है उसका कितना होगा थिकनेस, जो आपका एक पार्ट है उसका कितना होगा बोलो थिकनेस, उसका हो जाएगा थिकनेस t बाई टू प्लस एक्स। बोलो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये रहा एक्सिस तो इसका कितना होगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ से t बाई टू, यही ना, क्योंकि ये जो मेरा पूरा सीट था उसका थिकनेस था t। बोलो सब लोग, इसका पूरा थिकनेस था टी, मतलब कि ये मेरा सेपरेशन था टी बाई टू और इससे राइट साइड में एक्स पे क्या था मेरा पॉइंट पी था। मतलब कि हमने इसको दो पार्ट में किया है डिवाइड, हमने इस पूरे थिक सीट को दो पार्ट में डिवाइड किया, तो एक का आ गया थिकनेस टी बाई टू प्लस एक्स और एक का आया थिकनेस कितना टी बाई टू माइनस एक्स, कितना आएगा बोलो टी बाई टू माइनस एक्स। अब देखो ध्यान से देखो तो ये रहा मेरा पॉइंट पी, कहीं पे यहाँ पॉइंट पी था और हमने इस पूरे थिक सीट को दो पार्ट में किया है डिवाइड। क्या किया है, दो पार्ट में किया है डिवाइड। इसको मान लो पहला पार्ट और ये जो इधर वाला है इसको मान लो आप सेकेंड पार्ट। देखो तो एक का फील्ड आने वाला है इस तरफ और सेकेंड का फील्ड आने वाला है आपका इस तरफ, और जो आपका पहला जो पार्ट हमने माना है, जो आपका पार्ट है लेफ्ट साइड वाला, उसका थिकनेस ज्यादा है तो उसका फील्ड आएगा ज्यादा। मतलब कि यहाँ पे जो नेट फील्ड आने वाला है, नेट फील्ड एट पॉइंट पी, वो आपका क्या आएगा कि फील्ड ऑफ वन माइनस फील्ड ऑफ टू। अब ध्यान से देखो तो इस दोनों पार्ट के लिए ये मेरा पॉइंट क्या आ गया, ये मेरा पॉइंट उसके आउटसाइड आ गया। कैसा आ गया, उसके आउटसाइड आ गया है। मतलब इसके लिए जो हम लोग पहले फॉर्मूला सीखे हैं रो बाई टू एप्सिलॉन नॉट इनटू टी, वो यूज कर सकते हैं। तो बोलिए कितना आएगा ये ई वन, तो आएगा रो बाई टू एप्सिलॉन नॉट इनटू थिकनेस ऑफ सीट ना, तो कितना है वो है टी बाई टू प्लस एक्स माइनस। अब कर दीजिए कि फील्ड ड्यू टू जो ये जो सेकेंड जो था आपका पार्ट, देखो ये पार्ट सेकेंड जो है, तो उसका कितना हो जाएगा रो बाई टू एप्सिलॉन नॉट और उसका कितना थिकनेस है, उसका थिकनेस है टी बाई टू माइनस एक्स।
आप जब इसको सॉल्व करने जाओगे ना, तो देखो आपका यहां से आ जाएगा रो बाई एप्साइलन नॉट इंटू एक्स, कितना आएगा रो बाई एप्साइलन नॉट इंटू एक्स, ये आपका आ गया इनसाइड वाले पॉइंट पे फील्ड। तो देखो हमने अब मतलब क्या, हमने अपना दिमाग यूज करके इस क्वेश्चन को भी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। ऐसे इसमें कंसेप्ट तो बहुत ज्यादा ही छुपा हुआ था, ये क्वेश्चन ये जेई के लिए एक टॉपिक बन सकता है क्वेश्चन के लिए, समझ में आया ना ठीक सीट। तो आप लेकिन आप लोग को अभी सीख लियो तो आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर भी सकते हो, ठीक है। तो देखो इनसाइड वाले पॉइंट पे क्या आया है, इनसाइड वाले पॉइंट पे जो फील्ड का वैल्यू आया है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, आया है ना। देखो तो हमने जो पहले फाइंड किया था तो उस केस में हमने फाइंड किया था आउटसाइड पॉइंट पे, तो वो फील्ड आपका आया था यूनिफॉर्म, वो कैसे आया था, वो आपका फील्ड आया था यूनिफॉर्म। लेकिन यहाँ पे क्या आया, फील्ड आपका इनसाइड द थिक सीट यूनिफॉर्म नहीं है, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सीट। अब हम जा रहे हैं इसका ग्राफ बनाने, अब हम जा रहे हैं इसका ग्राफ बनाने। तो देखिए ये हम जा रहे हैं ग्राफ, हमने बनाया है ये ग्राफ, इधर हमने लिया है ई और इधर हमने लिया है एक्स। एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो देखिए क्या होगा कि जब पॉइंट होगा इनसाइड, जब पॉइंट क्या होगा इनसाइड, मतलब कि अप टू थिकनेस टी बाई टू, अप टू थिकनेस टी बाई टू, फील्ड कैसा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद जैसे ही आप बाहर आ गए फील्ड आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म, समझ में आया ना। तो ये आपका हो गया कि अगर पॉइंट मेरा लाई करेगा राइट साइड, अगर पॉइंट आपका लेफ्ट साइड लाई करेगा तो फिर आपका ग्राफ ऐसे आ जाएगा। देखो ये आपका हो जाएगा अप टू ये माइनस टी बाई टू, मतलब कि अगर पॉइंट आपका लाई किया है इस इसके एक्सिस के राइट साइड में तो ये सेक्शन लेंगे, और अगर पॉइंट उसके एक्सिस के लेफ्ट साइड में है तो हम लोग ये सेक्शन लेंगे, और ये आपका कंप्लीट एक इसका ग्राफ हो गया है। क्या सबको मेरी बातें समझ में आई ना, बिल्कुल। जैसे ही हम लोग इसके बाहर आए आपका फील्ड कैसा हो गया, देखो यूनिफॉर्म फील्ड हो गया है, सबको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये ग्राफ भी आप लोग याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था, पक्का ना। चलिए जल्दी से इसको आप लोग कॉपी करो, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखो तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन है कि एन इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट, कुछ मेंशन नहीं किया है तो आप थीन सीट लेना, ठीक है ना। जब तक आपको क्वेश्चन में थीक सीट मेंशन नहीं किया आपको थीन सीट ही लेना है, ओके। तो एन इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू 0.1 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर ऑन वन साइड फुल स्टॉप। हाउ फार अपार्ट आर इक्विपोटेंशियल सरफेस उज पोटेंशियल डिफरेंस बाई 50 वोल्ट, और आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं। सब लोग एक बार क्वेश्चन को रीड करो फिर मैं समझाता हूँ क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके पास एक लार्ज नॉन कंडक्टिंग थीन सीट है, उसका मेरे को सिग्मा दिया हुआ है, ठीक है ना, 0.10 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। आप पूछा है कि इससे कितना डिस्टेंस जाने पे, इससे कितना डिस्टेंस जाने पे जो आपका पोटेंशियल चेंज आने वाला है डेल्टा भी, वो आपका आने वाला है 50 वोल्ट, वो आपका आने वाला है 50 वोल्ट। क्वेश्चन यही है कि इससे कितना डिस्टेंस मूव करने के बाद आपका पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट आने वाला है। सबको मेरी बात समझ में आई ना। अब देखिए तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और मेरे से डिस्टेंस पूछा है, और हमने जस्ट अभी सीट का फील्ड फाइंड करना सीखा है, मतलब कि हम लोग क्या यूज करेंगे, डेल्टा वी बाय डेल्टा आर इज इक्वल टू, कुछ याद आया, माइनस ई कॉस थीटा, बोलो कुछ याद आया, फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन, बिल्कुल वही हम लोग यूज करने जाएंगे यहाँ पे भी। और जो आपका डेल्टा आर है ना, वही उसी को आप मान लो डी, डिस्टेंस जो आपसे पूछा है, ये हो जाएगा माइनस ई कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे फील्ड कहाँ है, यहाँ पे मेरा फील्ड कहीं था इधर एक्स में, और आपको मूव भी करना है इस तरफ ही, मतलब यहाँ पे एंगल आने वाला है 0 डिग्री। क्या आएगा यहाँ से, आपका एंगल आएगा 0 डिग्री, मतलब कि डी आपका आया कुछ ऐसा डेल्टा वी बाई माइनस ई, यही है ना, डेल्टा वी बाई माइनस ई। और आपसे पूछा है डी का वैल्यू, तो आप बस इसका लेना मैग्नीट्यूड, तो डेल्टा वी बाई ई आप यूज कर देना, आप साइन को छोड़ देना, पक्की बात है, हाँ बिल्कुल। तो डेल्टा वी देखो कितना दिया है 50 वोल्ट। अब ई क्या होता है, ड्यू टू लार्ज थिन सीट सिग्मा बाई 2 एप्साइलन नॉट, तो बस इसको सॉल्व कर लो। देखो तो ये जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 100 इंटू एप्साइलन नॉट बाई सिग्मा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बोलो कितना आएगा, देखो तो मैंने इसको लिख दिया 100 सिग्मा, कितना 100 हो गया इंटू एप्सिलॉन नॉट, कितना होता है 8.85 × 10⁻¹2 डिवाइड बाई कितना दिया है सिग्मा, सिग्मा पर दिया है 0.10 माइक्रो कूलम मीटर स्क्वायर, मतलब 10⁻¹⁶ हो जाएगा यहाँ से। क्या आप इसको लिख सकते हो, देखो कि 100 इंटू 8.85 × 10⁻¹2
डिवाइडेड बाई 10 × 10⁻¹. आप जब इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे ना तो आपका आंसर आएगा 8.85 × 10⁻³ मीटर। या देखो तो आप इसको 8.85 मिलीमीटर भी लिख सकते हो। तो हम अगर ऑप्शन से जाएं तो मेरे ऑप्शन में सबसे क्लोज कौन सा था, 8.8 ना, तो मतलब कि मेरा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सब क्वेश्चन में ना जो आपका ऑप्शन ए है वो देखिए यहाँ से मेरा आया है 8.85 mm, लेकिन वो राउंड अप करके आपको 8.8 दिया हुआ है, तो वही आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। सब क्वेश्चन में ना जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखो तो ये है अपना नेक्स्ट केस। मैंने यहाँ पे लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू या नियर या फिर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ लार्ज कंडक्टिंग शीट। देखो तो लास्ट केस में हमने लिया था नॉन कंडक्टिंग शीट, इस केस में हमने लिया है कंडक्टिंग शीट। और जैसे ही कंडक्टिंग शीट आ गया मतलब ये कंडक्टर है, तो इसके इनसाइड में फील्ड आने वाला है जीरो। तो मैंने वो फिर से लिख दिया है कि दिस इज कंडक्टिंग शीट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो, पक्की बात है। देखो तो मैंने फिर से लिया है एक गॉसियन सिलेंडर। कंसिडर अ गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस, वन एंड ऑफ सिलेंडर इज एट पॉइंट पी, जहां पे मेरे को फील्ड फाइंड करना है। पॉइंट पी पे मेरे को फील्ड फाइंड करना था, तो हमने उस पॉइंट पी पे इसका एक एंड है जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एंड अदर इनसाइड द कंडक्टर, मतलब कि कंडक्टर का जो सेकेंड एंड है वो देखो तो कहाँ है, वो आपका इनसाइड द, यहाँ आपको दिख रहा है ना, वो आपका इनसाइड द ये कंडक्टर है, ठीक है ना, ये सिलेंडर का सेकेंड एंड, अच्छी बात है। चलिए अब देखो तो हमने लिखा है कि हियर फ्लक्स विल बी पासिंग थ्रू वन सर्कुलर फेस ऑफ सिलेंडर ओनली, वन सर्कुलर फेस ऑफ सिलेंडर ओनली, मतलब कि यहाँ पे दो इवन दोनों सर्कुलर फेस से भी फ्लक्स पास नहीं करेगा। बोलो क्यों? तो देखो कि सेकेंड सर्कुलर फेस कहाँ है, इस कंडक्टर के अंदर है। तो जब और हमने क्या सीखा कि कंडक्टर के अंदर फील्ड होता है जीरो, तो जब फील्ड नहीं है तो फील्ड लाइंस नहीं होगा, तो उसे फ्लक्स भी पास नहीं कर रहा होगा। और ये जो आपका कर्व सर्फेस है उसे भी तो फ्लक्स नहीं पास करता है, क्योंकि उसके फॉर द कर्व सर्फेस एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर इज कितना, 90 डिग्री, तो कर्व से तो पास नहीं करेगा, ठीक है ना। और सर्कुलर फेस से भी सिर्फ यहाँ एक ही फेस से पास कर रहा होगा, वो फेस जो कि पॉइंट पी पे लाई कर रहा है, समझ में आया ना। चलिए हम लोग यूज करते हैं नेट फ्लक्स के लिए। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, मतलब कि हमको करना होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस आपका कर्व के लिए और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस आपका जो सर्कुलर के लिए, पक्का बात है। अब यहाँ पे सर्कुलर फेस सिर्फ एक से ही फ्लक्स पास कर रहा होगा और कर्व से हो गया जीरो, तो हम लिख दिया जीरो प्लस। और देखो तो क्या होगा कि उस पूरे सर्कुलर फेस के लिए आपका फील्ड आने वाला है यूनिफॉर्म, तो हमने लिख दिया ई एंगल, फिर से आपका आ जाएगा 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री, सिंपली आपका आ जाएगा ई इंटू एस, मतलब कि इससे जो नेट फ्लक्स पास कर रहा है वो आपका आ गया है ई इंटू एस, कितना आ गया, ई इंटू एस। एस क्या है, एस इज द एरिया ऑफ द सर्कुलर फेस ऑफ, एरिया ऑफ द सर्कुलर फेस ऑफ आपका जो भी गॉसियन सिलेंडर था, ठीक है। अब यूज कर लीजिए आप लोग कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन साइड बाई एप्साइलन नॉट, तो कितना आया है यहाँ से ई डॉट एस और इज इक्वल टू नेट चार्ज इन साइड द गॉसियन सर्फेस। तो देखो ध्यान से, तो ये जो मेरा गॉसियन सर्फेस है वो क्या हुआ, वो एक बार इसको कट किया है, यही ना, ये जो मेरा कंडक्टर था उसके सरफेस को एक बार कट किया है, तो जो भी आएगा एरिया वो जो उसका सर्कुलर एरिया है उसी में आएगा चार्ज ना, तो सिंपल लिख लो सिग्मा इंटू एस डिवाइडेड बाई एप्साइलन नॉट, पक्का। देखो तो यहाँ से एस से एस हो गया कैंसिल आउट, तो फील्ड क्या आ गया, फील्ड आपका आ गया है सिग्मा बाई एप्साइलन नॉट। ये फील्ड भी कैसा है आपका, ये फील्ड भी यूनिफॉर्म है, ये फील्ड भी आपका यूनिफॉर्म ही है। अच्छा थीन सीट वाले फील्ड में और इसमें डिफरेंस क्या है, तो थीन सीट वाले में आया था आपका सिग्मा बाई 2 ε0, लेकिन यहाँ पे आपका आया है सिग्मा बाई एप्साइलन नॉट। तो ये आप लोग याद रखना कि अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी एक थीन नॉन कंडक्टिंग सीट का और एक कंडक्टिंग सीट का सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो कंडक्टिंग वाले केस में फील्ड क्या आएगा, डबल आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आया है सिग्मा बाई एप्साइलन नॉट और वहां पे आया था सिग्मा बाई 2 ε0। क्या सबको ये मेरी बातें समझ में आई ना, सब लोग जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर इस पे हम लोग अभी जो चर्चा करने जा रहे हैं ना वो चर्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से आप लोग इसको एक बार कॉपी कर लो, फिर हम लोग उस चर्चे पे आते हैं। अच्छा कुछ बच्चे को डाउट होता है कि सर ये कंडक्टर वाले केस में आपने सिलेंडर का जो सेकेंड जो एंड था वो आपने इस कंडक्टर के अंदर क्यों रखा, उससे बाहर क्यों नहीं निकाला, मतलब कि इस टाइप का डायग्राम आपने क्यों नहीं बनाया था।
जैसा कि हमने नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए बनाया था, आप अगर चाहते हो कि हम वैसा ही बनाए कंडक्टर के लिए, तो आप वैसे भी कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा। देखो इस केस में क्या, ऐसे हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ध्यान से देखो। तो इस बार क्या होगा कि इस बार इस सिलेंडर का दोनों एंड कहाँ है, इस कंडक्टर से बाहर है, मतलब कि दोनों के लिए फ्लक्स पास कर रहा होगा। लास्ट केस में अंदर था, इसलिए सेकेंड वाले से पास नहीं किया था, क्योंकि अंदर में फील्ड जीरो होता है। इस बार दोनों बाहर है, तो दोनों से ही फ्लक्स पास कर रहा होगा, मतलब कि इस बार जो इसे सिलेंडर से नेट फ्लक्स आएगा वो आपका आ जाएगा 2ES। कितना आएगा? 2ES। और ये कितना होगा? ये होगा इक्वल टू क्यू इन साइड बाई एप्साइलन नॉट। पक्का ना? अब देखिए, अब यहाँ पे जो क्यू इन साइड क्या होता है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ध्यान से देखो। तो कंडक्टर कंडक्टिंग सीट में और नॉन कंडक्टिंग सीट में डिफरेंस क्या होता है ना, कि कंडक्टिंग सीट के दोनों ही फेस पे क्या होता है, दोनों ही फेस पे चार्ज होता है। क्या होता है? दोनों ही फेस पे चार्ज होता है, मतलब कि ये जो सामने वाला फेस है इस पे भी चार्ज होगा, और ये जो पीछे वाला फेस है ना जो आपको दिख नहीं रहा है उस पे भी चार्ज होता है। मतलब इस केस में जो आपका नेट चार्ज होगा वो आपका आ जाएगा सिग्मा इंटू 2S और बाई एप्सिलॉन नॉट, जो ऐसे था। अब देखो तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आपका फिर से E बराबर सिग्मा बाई एप्साइलन नॉट ही आ जाएगा। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, नॉन कंडक्टिंग सीट में क्या होता है कि आपका उसके सिर्फ एक फेस पे ही होता है चार्ज, और कंडक्टिंग में आपका उसके दोनों फेस पे होता है। अब क्यों दोनों फेस पे होता है वो मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूँ, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग ये ध्यान रखना कि कंडक्टर के दोनों साइड पे, दोनों फेस पे चार्ज होता है, समझ में आया ना? तो इसलिए इस बार जो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज था वो हो जाएगा सिग्मा इंटू 2S। और आप अगर जो हमने लास्ट केस में जैसे लिया था कि अगर इसका एक एंड अंदर में ही होता, मान लो कि जो हमने लिया था लास्ट केस में कि इस सिलेंडर का एक एंड जो अंदर में ही था, तो इससे कोई फ्लक्स नहीं था, तो इससे कोई तो यहाँ पे कोई चार्ज भी नहीं था ना, तो भी आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही आया था। यहाँ पे फ्लक्स आया तो साथ साथ और चार्ज भी एक्स्ट्रा आ गया है, इसलिए वो कट छट के फिर से आपका सेम रिजल्ट आ गया। तो इसको सब लोग याद रखना कि फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सीट इज सिग्मा बाई एप्साइलन नॉट, एंड फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सीरीज सिग्मा बाई 2 एप्साइलन नॉट। इस पर हम लोग अभी और चर्चा करेंगे, फिलहाल आप लोग इसको याद रखना। चलिए तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंपेरिजन ऑफ फील्ड ऑफ नॉन कंडक्टिंग सीट एंड कंडक्टिंग सीट। देखिए ये एक ऐसा, मतलब कि क्या बोलते हैं, सिचुएशन है ना जिसमें बच्चे को बहुत सारे डाउट्स होते हैं। हम जब क्लास 12 में थे तो मेरे को खुद इस पर बहुत सारा डाउट हुआ था, और फिर मैं हम बैठ के अपना खुद से इसको हमने डाउट क्लियर भी किया था। तो हमको जहाँ तक लगता है कि आप लोग को भी इसमें डाउट होगा कि ये दोनों का फील्ड कैसे डिफरेंट आ गया, कैसे आपने बोला कि नॉन कंडक्टिंग के सिर्फ एक फेस पे चार्ज होता है या एक सरफेस पे चार्ज होता है, कंडक्टिंग के दोनों सरफेस पे चार्ज होता है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप अगर ध्यान से देखो ना, तो कंडक्टिंग सीट या फिर नॉन कंडक्टिंग सीट दोनों आपका देखने में सिमिलर ही होता है। कैसा होता है? दोनों देखने में सिमिलर ही होता है, फिर भी उनका फील्ड का वैल्यू चेंज कर गया। और हमने बोला कि नॉन कंडक्टिंग के एक फेस पे चार्ज होता है, कंडक्टिंग के दो फेस पे चार्ज होता है, इसका मतलब क्या हुआ, क्यों हुआ, वो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। तो देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे लिया है नॉन कंडक्टिंग सीट और हमने यहाँ पे लिया है कंडक्टिंग सीट, पक्का ना? हमने बोला कि दोनों को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, दोनों को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, और सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों को इक्वल दिया है, सिग्मा। दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, अच्छी बात है सर, सिग्मा। और हमने इसको भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही दिया है, और चार्ज पॉजिटिव दिया है। कैसा दिया है? चार्ज दिया है पॉजिटिव। अब देखिए ध्यान से, ये मेरा है कंडक्टिंग सीट, ये मेरा क्या है, देखो जो मैंने सेकेंड केस में बनाया है वो आपका है डायग्राम ऑफ कंडक्टिंग सीट। मैं आपसे पूछूं कि क्या हमने जो अभी जो कंडक्टिंग सीट के लिए डायग्राम बनाया है, इसके सिर्फ एक सर्फिस पे चार्ज दिया है, ये डायग्राम सही है क्या? ये डायग्राम सही है? तो आंसर होगा नहीं सर, ये डायग्राम आपका गलत है, ये आपका डायग्राम रॉन्ग है। अब सवाल उठता है कि ये रॉन्ग क्यों है, तो ध्यान से देखो। तो हमने क्या अभी आपको जस्ट क्या बताया कि अगर ये कंडक्टिंग सीट है तो इसके अंदर फील्ड क्या आने वाला है, इसके अंदर फील्ड आने वाला है जीरो, इसके अंदर फील्ड आने वाला है जीरो, मतलब कि इसके अंदर हमने कोई एक पॉइंट अगर मैंने ले लिया तो इस पॉइंट पे नेट फील्ड पक्का आना चाहिए जीरो, अच्छी बात है ना? और मान लो कि हाँ इस पे नेट फील्ड आना चाहिए जीरो, अच्छी बात है सर। अब मान लो कि अगर इसके सिर्फ एक फेस पे चार्ज होता, अगर सिर्फ सिर्फ इसके एक फेस पे चार्ज आता होता तो इसके चलते फील्ड कहाँ आता, पक्का ना? कहाँ था इसके चलते फील्ड? यहाँ कहीं इस तरफ आता, E1। अब बताओ कि क्या इसके अंदर फील्ड जीरो हो पाया, क्या इसके अंदर फील्ड जीरो हो पाया? नहीं, इसके अंदर फील्ड जीरो नहीं हो पाया। कितना आएगा अगर मैं आपसे पूछूं कि इस केस में अभी इसके अंदर फील्ड कितना आएगा? तो ध्यान से देखो, तो ये जो मेरा फेस वन है ना वो कर रहा है बिहेव एज अ
एज अ, बोलो एज अ नॉन कंडक्टिंग शीट, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। तो इस पॉइंट पे इसका फील्ड आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर ये कंडक्टर है तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसके अंदर फील्ड जीरो पक्का होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने चार्ज का इस पे ओरिएंटेशन दिया है ये आपका रॉन्ग है, चार्ज इस तरफ भी पक्का होना चाहिए, चार्ज इस तरफ भी पक्का होना चाहिए। और ये चार्ज ऐसे होना चाहिए कि ये जो सेकेंड सरफेस है ना, तो सेकेंड सरफेस के चार्ज का जो फील्ड है वो जस्ट इसके अपोजिट आ जाए और इक्वल आ जाए, तो ये कैंसिल आउट होके इसके अंदर फील्ड के आ जाए, इसके अंदर फील्ड आपका जीरो हो जाए। मतलब कि ये जो सेकेंड सरफेस है इसका फील्ड भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही आना चाहिए। और तब देखो क्या होगा, अब इसके अंदर फील्ड आपका जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब इसके अंदर फील्ड जीरो हो जाएगा। अच्छी बात है सर। तो अब इस कंडक्टर के अंदर तो फील्ड जीरो हो गया, लेकिन अब जैसे हम बात करेंगे इस कंडक्टर के बाहर, अब जैसे ही हम बात करेंगे इस कंडक्टर के बाहर, देखो यहाँ, देखो यहाँ पे तो ये रहा मेरा प्लस सिग्मा, और यहाँ भी क्या होगा आपका प्लस सिग्मा। मतलब क्या था कि दोनों सरफेस का फील्ड मेरा सेम होना चाहिए और होना चाहिए अपोजिट, इसलिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा सरफेस वन पे वही आपका आएगा सरफेस टू पे भी। मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगा कि दोनों आपका जो फेस है कंडक्टिंग सीट का उसके सिमिलर सरफेस चार्ज डेंसिटी आता है, और आप बोल सकते हो कि दोनों पे सिमिलर चार्ज आता है। समझ में आया ना, मैं इसको प्रूफ भी करके आपको दिखा दूंगा, फिलहाल आप इसको मान लो, पक्की बात है। तो अब हमने क्या देखा कि अगर ये कंडक्टिंग सीट है तो सिर्फ इसके एक सरफेस पे चार्ज नहीं रह सकता है, इसके दोनों सरफेस पे चार्ज होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर में फील्ड मेरे को जीरो करना है। अब बताओ कि ये अब हमने ले लिया है आउटसाइड वाला पॉइंट, बताओ कि इस पॉइंट पे फील्ड कितना आएगा। ये हमने मान लिया वन सर्फेस, ये हमने मान लिया सेकेंड सर्फेस। तो देखो क्या होगा कि सर्फेस वन का फील्ड कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा, और सरफेस टू का भी फील्ड कहाँ आएगा, इस तरफ ही आने वाला है। तो मैं अगर नेट फील्ड बोलूँ तो बोलो कितना आएगा, देखो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो हम सीखे हैं, यही तो अभी हमने जस्ट गॉस लॉ से डिराइव भी किया था कि अगर आपके पास एक कंडक्टिंग सीट है तो उसके आउटसाइड वाले पॉइंट पे फील्ड कितना क्या आना चाहिए, पक्का सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही आना चाहिए, क्योंकि उसके दोनों सरफेस पे चार्ज था। क्या क्या था, उसके दोनों सरफेस पे पक्का चार्ज रहा था, क्योंकि उसके अंदर मेरे को फील्ड जीरो करना था, इसलिए दोनों सरफेस ने नेट फील्ड में कंट्रीब्यूट किया और दोनों सरफेस ने इक्वली नेट फील्ड में कंट्रीब्यूट किया। अब आपको डिफरेंस समझ में आया ना कि क्यों नॉन कंडक्टिंग के लिए आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और क्यों कंडक्टिंग के लिए आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि आपके पास अगर नॉन कंडक्टिंग सीट है और आपने अगर उसको चार्ज दिया है तो उसका चार्ज सिर्फ एक सरफेस पे ही रहता है, क्योंकि अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो इसके अंदर फील्ड मेरे को जीरो नहीं करना है, तो सिर्फ उसके एक सरफेस पे ही चार्ज होता है। तो अगर किसी पॉइंट पी पे इसके चलते फील्ड फाइंड करना हो तो कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ओनली। मतलब कि हम लोग यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम लोग यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कंडक्टिंग सीट को हम लोग ऐसे सोच सकते हैं एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन कंडक्टिंग सीट्स। क्या आपको मेरी बातें समझ आई ना, आप एक कंडक्टिंग सीट को मान सकते हो कि वो क्या है, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन कंडक्टिंग सीट्स, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया कि इसका दो फेस था, फेस वन और टू, तो वन को आप सेपरेटली एक नॉन कंडक्टिंग सीट मान सकते हो और टू को आप एक सेपरेटली नॉन कंडक्टिंग सीट मान सकते हो। तब क्या होगा, तब आउटसाइड वाले पॉइंट पे फील आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू अ कंडक्टिंग सीट, और इनसाइड वाले पे आ जाएगा जीरो। क्या सबको मेरी बातें समझ में आई। देखिए यहाँ पे आपका कहानी अभी यहीं ख़त्म नहीं हुआ, इसमें और भी कुछ मिस्ट्री निकल के आने वाला है। इसलिए मैंने बोला कि ये टॉपिक जब हम पढ़ते थे तो मेरे खुद को ये 2-3 दिन मेरे को परेशान किया था, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि वो परेशानी आप लोग को आए। समझ में आया ना, देखो मैंने यहाँ क्या बोला, मैं इसको एक बार फिर से बोलने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास दो सीट है, एक है नॉन कंडक्टिंग और एक है कंडक्टिंग, अगर दोनों पे सिमिलर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तब क्या होगा, तब आपका फील्ड ड्यू टू जो कंडक्टिंग सीट आने वाला है वो आएगा डबल ऑफ द फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सीट। ये हुआ हमने अगर सिमिलर दिया है क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखो नेक्स्ट मैं केस चेंज करने जा रहा हूं तो पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना यहां पे क्या है, यहां पे है सिमिलर सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखो सेकंड केस क्या है,
देखिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हमने जो केस वन लिया था वहां पे था बोथ सीट हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर सेम सिग्मा। तब क्या आया था, तब आपका फील्ड आया था ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सीट सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और ड्यू टू कंडक्टिंग सीट आया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा गेम चेंज करने। देखो तो नेक्स्ट केस में हमने क्या दिया है, हमने दिया है बोथ सीट गिवेन सेम चार्ज। देखो पहले केस में क्या था, सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस केस में क्या दिया है हमने, हमने सेम चार्ज दिया है। दोनों केस सेम नहीं है, दोनों केस आपका सेम नहीं है। मैं ये सेम कैसे नहीं है मैं ये आपको समझा दूंगा, लेकिन पहले आप समझो कि पहले केस में सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी था और अभी आपका है सेम चार्ज, पक्का? ओके। और हमने बोला है कि एरिया ऑफ बोथ सीट्स इज इक्वल टू ए, दोनों का एरिया ए है, पक्की बात है ना। अब आपको फिर से ये बताना है कि नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग सीट के बाहर वाले पॉइंट पे कितना फील्ड आने वाला है, कितना फील्ड आने वाला है। ये आपका है नॉन कंडक्टिंग सीट और ये आपका है कंडक्टिंग सीट, और दोनों को हमने क्यू चार्ज दिया है, दोनों को हमने चार्ज क्यू दिया है, सेम चार्ज क्यू। अब बताओ तो सब लोग यहाँ क्या बोलेंगे कि सर आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सीट इज सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट एंड फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सीट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इस केस में मेरे को सिग्मा दिया है क्या, क्या इस केस में मेरे को सिग्मा दिया है? नहीं, देखो मेरे को चार्ज दिया है। क्या दिया है, मेरे को चार्ज दिया है। अब हमको दिया है चार्ज तो मेरे को सिग्मा फाइंड करना होगा, हमको सिग्मा फाइंड बोलो हमको सिग्मा फाइंड करना होगा। तो हमने बोला कि नॉन कंडक्टिंग सीट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको हमने मान लिया है सिग्मा वन, और जो आपका कंडक्टिंग वाला है उसको हमने मान लिया है सिग्मा टू। देखो पहले केस में मेरे को सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों का सेम था तो दोनों का सिग्मा था, यहाँ पे चार्ज सेम है तो दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम नहीं होगा, इसलिए मैंने सिग्मा वन और सिग्मा टू दिया है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है ना? देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, लेकिन आपका जो चार्ज है वो तो टोटल चार्ज है ना। अच्छा देखो इसको समझने के लिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखो ऐसे समझो, मैं एक लेता हूँ एग्जाम्पल। जैसे मान लो कि एक टीम में ए और बी दो लोग हैं और एक टीम में एक अकेला सी है, ठीक है ना? ओके। अब मैं आपसे बोलूं कि मैंने पहले पहले मैंने दोनों मतलब कि हर मैंने ऐसा किया कि मैंने दिया है 10 रुपीज पर पर्सन। क्या दिया है हमने, हमने दिया है 10 रुपीज पर पर्सन। देखो 10 रुपीज पर पर्सन मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने सेम रखा है जो था ना कि चार्ज पर यूनिट एरिया सेम। तो वैसे मैंने बोला कि 10 रुपीज पर पर्सन, तो अगर मैंने 10 रुपीज पर पर्सन दिया मतलब क्या कि ये जो ए और बी थे एक टीम, इनको मिलेगा 20 रुपया, और ये जो सी था उसको मिलेगा ओनली 10 रुपीज। ये कब हुआ, ये तब हुआ जब हमने 10 रुपया पर पर्सन दिया, मतलब कि हम बात कर रहे हैं इन द टर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी जब सेम रखा। तो एक को देखो तो एक को जो टोटल मिला है पैसा वो दूसरे से अलग है। अब मैं अगर बात करूं कि मैंने दोनों टीम को सेम पैसा दिया, मतलब कि टीम जो पहला टीम था उसको भी मैंने दिया 10 रुपया और जो सेकेंड टीम था मैंने उसको भी दिया 10 रुपया, मतलब कि हम यहाँ बात कर रहे हैं चार्ज का, दोनों को मैंने सेम चार्ज दिया। तो अगर मैंने टीम ए को भी दिया है 10 रुपया, उस केस में क्या होगा, ए और बी दोनों को मिलेगा 5 रुपया मिलेगा ना, और जो सी था उसको मिलेगा 10 रुपया। क्या मेरी बातें समझ में आई ना? तो ये आपका हुआ डिफरेंस बिटवीन सरफेस चार्ज डेंसिटी और टोटल चार्ज। पहले केस में हमने लिया था सिमिलर सरफेस चार्ज डेंसिटी, तब हमने देखा क्या कि दोनों के पास जो टोटल अमाउंट था वो सेम नहीं आया था, समझ में आया ना? एक के पास अमाउंट ज्यादा चला गया, एक के पास अमाउंट कम चला गया। और जब हमने सेम चार्ज दिया मतलब कि जब हमने सेम पैसा दिया तो फिर क्या हुआ कि सी के पास जितना पैसा था ए और बी का मिला के भी उतना ही पैसा था। क्या मेरी बातें आपको थोड़ा सा भी स्ट्राइक किया? हमने क्या बोला ना कि जब हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सेम दिया तब एक का फील्ड दूसरे के डबल था, जो कि आपका इस केस में पैसा वाले के साथ भी हुआ था कि जो टीम वन था जिसमें ए और बी थे उनको मिला था 20 रुपया और जो टीम सी जो सेकेंड टीम था उसमें उसको मिला था 10 रुपया, जो कि आपका केस हुआ था पहला केस जहाँ पे हमने सिमिलर सरफेस चार्ज डेंसिटी लिया था। लेकिन सेकेंड केस में हमने क्या लिया है, हमने सबको दोनों टीम को इक्वल पैसा दिया। आप मान लो कि हमने जब इक्वल चार्ज दिया तो क्या हुआ, ध्यान से देखो कि जो अब हो जो मिला है पैसा पर पर्सन ना, वो जो पहले टीम में हो गया है 5-5 रुपया, लेकिन जो आपका सेकेंड टीम था उसको मिला है 10 रुपया। लेकिन आप अगर नेट पैसे की बात करो तो दोनों का सेम आया है। इसका मतलब क्या कि अगर आपने दोनों को चार्ज सेम दिया है ना
तो इस केस में एक का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा वो आएगा डबल टू द सेकेंड वाला, और इस बार जो नेट फील्ड आने वाला है वो आपका सेम आ जाएगा। देखो कैसे, तो जैसे मान लो कि हमने दोनों को चार्ज दिया, सेम चार्ज दिया है Q, हमने दोनों को सेम चार्ज दिया है Q। अब मैं आपसे पूछूं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर नॉन कंडक्टिंग शीट तो कितना होगा, बोलिए व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, या आप बोल सकते हो कि चार्ज डिवाइडेड बाई कितने एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बताओ कि अगर नॉन कंडक्टिंग शीट है तो उसके सिर्फ एक फेस पे क्या होता है, सिर्फ उसके एक फेस पे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब कि सिग्मा वन कितना हो जाएगा, क्यू बाई ए। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छी बात बोली आपने, अच्छी बात है। अब आइए फाइंड करते हैं सिग्मा टू, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी इन द केस ऑफ कंडक्टिंग सीट। अब बताओ कि कंडक्टिंग सीट में क्या होता है, इसके दोनों सीट पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या होता है, या इसके दोनों फेस पे क्या होता है, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब इस केस में आपका जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो एरिया ए में नहीं हुआ है, कितने में हुआ है, वो हुआ है एरिया टू ए में। बोलो जल्दी, अगर नॉन कंडक्टिंग वाले केस में एरिया ए में हुआ था तो इस केस में आपका एरिया टू ए में होगा, क्योंकि इस बार इसके दोनों फेस पे चार्ज क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मतलब इस बार जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आने वाला है वो आपका आ जाएगा क्यू बाई टू ए। देखो वही जो हमने पैसा वाले से आपको समझाया था कि जब हमने सेम पैसा दिया तो ए और बी को मिला 5-5 और सी को मिल गया 10, तो वही देखो ये मतलब कि इस बार क्या होगा, ये जो दोनों सरफेस थे किसके, कंडक्टिंग वाले के, उनको मिलेगा क्यू बाई टू ए, और क्यू बाई टू ए मिलेगा क्या उनको, सरफेस चार्ज डेंसिटी आधा ऑफ द ये नॉन कंडक्टिंग वाले फेस के। क्या मेरी बातें समझ में आई, बिल्कुल। अब चलो फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन द केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग सीट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग सीट, तो बोलो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा। तो अगर ये नॉन कंडक्टिंग सीट है तो इसके सिर्फ एक फेस पे चार्ज होगा, तो कितना आने वाला है, सिग्मा बाई टू एप्साइलन नॉट, और इसके इसमें हो जाएगा सिग्मा वन बाई टू एप्साइलन नॉट। अच्छी बात है सर, बोलो कितना आएगा। देखो तो सिग्मा वन कितना आया था, क्यू बाई ए, जब मैंने ये पुट किया तो आ गया क्यू बाई टू ए एप्साइलन नॉट। बहुत बढ़िया, अब आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टिंग वाला, तो सबको पता है क्या कि कंडक्टिंग वाले केस में उसके दोनों फेस पे चार्ज होता है, तो इस बार आपका क्या आने वाला है, इस बार आपका आएगा सिग्मा टू बाई एप्साइलन नॉट, यही ना, क्योंकि होता है इन द केस ऑफ कंडक्टिंग सिटीज सिग्मा बाई एप्साइलन नॉट, तो इस बार इसका सिग्मा हो गया सिग्मा टू ना। ओके अब बताओ सिग्मा टू क्या आया था, क्यू बाई टू ए क्या आया था, क्यू बाई टू ए बाई एप्साइलन नॉट, मतलब कि इसका भी फील्ड देखो क्या आ गया, क्यू बाई टू ए एप्साइलन नॉट। देखो ये था गेम चेंजर, ये क्या है, ये है आपका गेम चेंजर। देखो ध्यान से कि इस केस में दोनों का फील्ड सेम आ गया है, दोनों का फील्ड क्या आ गया है, सेम आ गया है, ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग भी और ड्यू टू कंडक्टिंग भी। भले ही कंडक्टिंग के दोनों फेस पे चार्ज था लेकिन उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गया था, इस बार आधा हो गया था नॉन कंडक्टिंग वाले के, जो कि मैंने आपको यहाँ पे पैसा वाला एग्जाम्पल लेके समझाया था। समझ में आया ना, कि बोलो जल्दी से कि जब हमने दोनों टीम को सेम अमाउंट दिया, सेम चार्ज दिया, तो क्या हुआ है कि जिसमें दो लोग थे उनको पर पर्सन आधा आधा मिला पैसा, तो मिला के उनका एक वाले के बराबर ही हो गया है। मतलब कि यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर आपको नॉन कंडक्टिंग सीट और कंडक्टिंग सीट पे सेम चार्ज दिया रहे तो आपका उन दोनों के लिए फील्ड क्या आएगा, क्यू बाई टू ए एप्साइलन नॉट, अगर उनका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया रहे तब कंडक्टिंग वाले का डबल आएगा नॉन कंडक्टिंग के। क्या मेरी बातें समझ में आई, क्योंकि अगर आपने सेम चार्ज दिया है किसको, नॉन कंडक्टिंग को, तो उसके सिर्फ एक सरफेस पे ही क्या होगा, चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा डबल। लेकिन आपने अगर वही चार्ज दिया है क्यू किसको, अपने कंडक्टिंग वाले को, तो उसके दो सरफेस पे होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, तो उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो आने वाला है हाफ टू द नॉन कंडक्टिंग। इसलिए कुल मिला के सब फील्ड उल्ड क्या हो गया, आपका सेम आ गया, कब, जब दोनों पे चार्ज सेम दिए हो। क्या मेरी बातें समझ में आई ना, तो ये आपका हुआ अनमोल बात, आप इसको याद ही रख लेना, मैं इसको नोट्स में लिख देता हूँ। देखो तो मैंने यहाँ पे नोट्स पे लिख भी दिया कि इफ बोथ हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी द फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग इज सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट एंड फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग इज सिग्मा बाई एप्साइलन नॉट, इफ बोथ हैव सेम चार्ज देन दोनों का फील्ड आपका आएगा क्यू बाई टू ए एप्साइलन नॉट, ठीक है ना, तब दोनों का फील्ड आपका सेम आएगा, अगर आपको चार्ज दिया रहे तो इन द टर्म ऑफ चार्ज, तो दोनों का फील्ड आएगा क्यू बाई टू ए एप्साइलन नॉट। समझ में आया ना, अच्छा चलो
आपको समझ में आया कि नहीं, उसके लिए मैं आपसे एक आपका एक टेस्ट लेता हूँ, ठीक है? चलो देखो टेस्ट क्या है। ये एक मेरे पास नॉन कंडक्टिंग सीट है, इसका एरिया ए है और इस पे हमने चार्ज दिया है क्यू, ठीक है? ये आपके पास एक कंडक्टिंग सीट है, ठीक है ना? ये आपके पास एक कंडक्टिंग सीट है, इसका एक फेस का एरिया फिर से वही ए है और इस पे हमने इस बार चार्ज दिया है टू क्यू। अब बताओ कि इस बार इन दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम आने वाला है कि डिफरेंट आएगा, सब लोग बताओ। तो चलो चेक करते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ नॉन कंडक्टिंग कितना आएगा? देखो तो इस पे जो चार्ज देंगे वो सिर्फ इसके एक फेस पे ही आएगा, तो सिंपल क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए, पक्की बात है ना? ओके सर। और सिग्मा फॉर कंडक्टिंग क्या होगा, कि इसको जो हमने चार्ज दिया है वो इसके दो फेस में होगा, तो इस बार चार्ज कितना दिया है, टू क्यू। क्या दिया है चार्ज, टू क्यू, और इस बार इसके दोनों ही फेस पे होने वाला है चार्ज क्या, डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कि वो टू ए एरिया में होगा डिस्ट्रीब्यूट। तो देखो क्या आ गया, फिर से उसका क्यू बाई ए ही आ गया। मतलब इस केस में क्या हुआ कि आपका दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी फिर से सेम आ गया। देखो जब मैंने सेम चार्ज लिया था तब दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम नहीं आया था, इस बार हमने चार्ज कंडक्टिंग वाले पे ले लिया है डबल, तो फिर से उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम आया, तो होना भी चाहिए ना, क्योंकि वहां पे डबल चार्ज, तो वहां पे डबल एरिया में भी तो चार्ज हो रहा है ना, बट रहा है ना, तो इसीलिए ऐसा आ गया। समझ में आया ना? वही आप अगर सेम चार्ज लोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट हो जाएगा, जो हम लोग जस्ट अभी सीखे पिछले केस में। समझ में आया ना? तो सब लोग को उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक मैंने इस पे एक्स्ट्रा टाइम दिया, बहुत लोग इसको नहीं बताते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, बस आपका फॉर्मूला आया उसको बता के छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने इस पे टाइम दिया ताकि आपको जो फील आए, वो जो फील आना चाहिए आपको पूरा समझ में आया कि कैसे क्या हो रहा था, ठीक है ना? चलिए तो गॉस लॉ अपना यहीं पे खत्म हो गया, गॉस लॉ को हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना? वो आपका उस पर एक लेक्चर लगेगा और उसके बाद हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए आप लोग इसको एक बार देख लेना अच्छे से, मैंने बताया है, एक बार आप लोग इसको स्टडी कर लेना, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक टाटा बाय, टेक केयर।